तो हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं ब्राम्स द बॉय 2 को एक्सप्लेन करूंगा। ये मूवी द बॉय की सीक्वल है और अगर आप चाहें तो द बॉय का भी एक्सप्लेनेशन आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप द बॉय का एक्सप्लेनेशन देख लें ताकि आपको ये वीडियो आसानी से समझ में आए। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 4.6 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर 29 है। बेसिकली ये मूवी ब्राम्स नाम के एक डॉल पर बेस्ड है जो बच्चों को पोजेस करती है, और अब की बार जूड नाम का एक बच्चा इस डॉल का शिकार बनने वाला है। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ मेन कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करा देना चाहूँगा। तो सबसे पहला कैरेक्टर है जूड, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था। दूसरी कैरेक्टर है उसकी मॉम लीज़ा और तीसरे कैरेक्टर है उसके डैड शॉन। तो मूवी की शुरुआत में हम लीज़ा और जूड को देखते हैं जो घर पे अकेले होते हैं, और तभी उनके घर पर रॉबरी हुई होती है। इस इंसिडेंट के दौरान लीज़ा के सर पर काफ़ी चोट आई होती है और जूड ट्रॉमेटाइज्ड होने के कारण बोलना ही बंद कर देता है। इस इंसिडेंट से बाहर आने के लिए शॉन जंगल के बीच एक घर रेंट पर लेता है जो हिलशायर प्रॉपर्टीज़ के पास होता है। हिलशायर्स ब्राम्स के पेरेंट्स थे जिनका जिक्र द बॉय में हुआ है। इसी बीच जंगल के बीच घूमते वक्त जूड को ज़मीन में दफनाई हुई एक डॉल मिलती है। ये वही डॉल है जिसको हमने द बॉय में देखा था। जूड उस डॉल को ज़मीन से बाहर निकालता है और घर वापस ले आता है। लीज़ा उस डॉल को क्लीन करती है और जूड पूरा दिन उस डॉल के साथ बिताने लगता है। जूड अपने पेरेंट्स को लिख के बताता है कि इस डॉल का नाम ब्राम्स है जो कि इस डॉल ने खुद चुना है। जूड उस डॉल से बोलकर बात करने लगा था जो उसके पेरेंट्स के लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था। हालांकि वो अपने पेरेंट्स से बोलकर बात नहीं करता था, लेकिन शॉन और लीज़ा इस बात से खुश थे कि आखिरकार उनका बेटा बोलने लगा है। इसी बीच कुछ सीन्स को देखकर हमें पता चलता है कि ये डॉल नॉर्मल नहीं है। कभी वो अपनी पोजीशन चेंज कर लिया करती थी और कभी कभी उसकी आंखें अपने आप हिलती थी। लीज़ा को भी इस डॉल पे शक होने लगा था क्योंकि जूड हमेशा उस डॉल के साथ ही रहता था। वो उसी डॉल से बात किया करता था और यहाँ तक कि वो उस डॉल की तरह कपड़े भी पहनने लगा था। लीज़ा यही सब देखकर उस डॉल के पैरों पर लिखा मॉडल नंबर नोट कर लेती है। इसी बीच वो डॉल लीज़ा पर भी अटैक करती है, जिससे लीज़ा को पूरा भरोसा हो जाता है कि ये डॉल कुछ अलग है। इसके बाद लीज़ा जूड की ड्राइंग बुक चेक करती है जिसके अंदर जूड ने अपने पेरेंट्स को मारने की ड्राइंग बनाई होती है। ये इंडिकेट करता है कि जो भी जूड और उस डॉल के बीच आएगा वो मारा जाएगा। उस जगह का ग्राउंड कीपर जोसेफ जूड के पेरेंट्स को ब्राम्स की कहानी सुनाता है और बताता है कि काफ़ी टाइम पहले ब्राम्स ने खुद के साथ साथ दो लोगों की और जान ले ली थी। अगले दिन जूड के घर पर कुछ गेस्ट्स आते हैं जिनमें उसके अंकल आंटी और उनके दो बच्चे थे। जूड जब उन दोनों बच्चों के साथ बाहर खेल रहा होता है तभी उनमें से एक बच्चा जूड का और उसकी डॉल का मजाक उड़ाता है। जूड की उस बच्चे से लड़ाई हो जाती है जिस कारण से उस बच्चे को धक्का लगता है और वो पीछे रखी नुकीली लकड़ी पर गिर जाता है। शॉन और उस बच्चे के पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और घर पर सिर्फ जूड और लीज़ा बचे होते हैं। लीज़ा उस डॉल के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है और उसे उस डॉल की एविल हिस्ट्री पता चलती है। उस डॉल ने कई फैमिलीज डिस्ट्रॉय कर दी होती हैं। मुझे पता है अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्या वो डॉल एविल थी या फिर उसके अंदर ब्राम्स की आत्मा थी, पर चिंता मत कीजिए, आपके इस सवाल का जवाब मैं वीडियो के एंड में दूंगा। इसी बीच जोसेफ शॉटगन की मदद से लीज़ा पर अटैक कर देता है और बताता है कि उसने ही उस डॉल को ज़मीन के अंदर रखा था ताकि जूड उसे ले ले। असल में ये डॉल सिर्फ कमज़ोर लोगों पर हमला करती थी और जूड उसके लिए परफेक्ट शिकार था। लीज़ा जोसेफ पर उसके ही शॉटगन से हमला कर देती है और जूड को ढूंढने के लिए निकल जाती है। असल में जोसेफ भी उस डॉल के कंट्रोल में ही था। लीज़ा को जूड हिलशायर प्रॉपर्टीज़ में मिलता है जहाँ पर उसने एक मास्क पहन रखा था और वो पूरी तरह डॉल के कंट्रोल में था। लीज़ा जूड को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो सभी फैमिली की तरह फिर से साथ रह सकते हैं। इतने में शॉन वहाँ पर आ जाता है और वो उस डॉल के फेस को तोड़ देता है। ऊपर की लेयर टूटते ही हमें उस डॉल के अंदर का डेमोनिक फेस दिखता है। इतने में जोसेफ वहाँ पर आ जाता है लेकिन वो डॉल उसे भी मार डालती है। इसके बाद जूड डॉल के पास आता है जिसे देखकर हमें लगता है कि डॉल ने फिर से जूड को पोजेस कर लिया है, लेकिन अगले ही सीन में जूड उस डॉल को आग में फेंक देता है। इसके बाद फैमिली रीयूनाइट होती है और वो लोग पहले की तरह रहने लगते हैं, लेकिन इसके बाद हम जूड को देखते हैं जिसने वो मास्क पहन रखा होता है।
जूड ब्राम से बातें कर रहा होता है कि वो लोग यहाँ पर खुश रहेंगे और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो अब आ जाते हैं उस क्वेश्चन पे कि क्या ब्राम्स ने उस डॉल को पोजेस कर रखा था या फिर कोई दूसरी एविल एंटिटी थी। मेरे ख्याल से ये कोई एविल एंटिटी थी और ब्राम्स खुद जूड की तरह इस डॉल के चक्कर में फंसा हुआ था। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मैं निकलता हूँ, गुड बाय।